नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है और एक बार फिर सहरसा में छात्र छात्राएं ने बाजी मारी है। प्रगति क्लासेस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से नीट परीक्षा में सफलता हासिल की। हम तमाम सफल छात्र से भी बात करेंगे। पहले आपका क्या नाम है? नैना दहलान। कितना रैंक है आपका? 22,000। किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? क्या कठिनाई आई पढ़ाई में, पढ़ाई के दौरान? प्रॉब्लम्स तो आती है, बट ये है कि ज़्यादा मैंने रिवीजन किया और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिया। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? ऐसे कुछ फिक्स नहीं था, बट अप्रॉक्स 7 to 8। क्या बनना चाहते हैं आप आगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना। अब क्या कैसा लग रहा है जब रिजल्ट जारी हो चुका है? अच्छा लग रहा है। देखने के बाद क्या हुआ? अच्छा लग रहा है काफ़ी। फैमिली भी खुश है, सही है। परिवार में कैसा सपोर्ट आपके परिवार का रहा? फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? सबका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, टीचर्स हो, फैमिली हो, सबका। अपनी यहाँ क्लासेस में कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? क्लासेस में जितनी क्लासेस चलते, जैसे कि 5 आवर्स की क्लासेस चलती थी। क्या नाम है आप? कोमल कुमारी। ये बताइए क्या बनना चाहती हैं? ऑब्वियसली डॉक्टर। कितना रैंक है आपका? 24,000। जब रिजल्ट आपने देखा तो क्या फील, क्या महसूस हुआ, किस तरह का माहौल हुआ उस समय जब रिजल्ट देखे आपने? हाँ, अच्छा लग रहा था। पढ़ाई कितने घंटे आप कर रहे थे? अप्रॉक्स 9 to 10। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? शिक्षक टीचर का कैसा सपोर्ट रहा आपको? हाँ, कोचिंग में सारे टीचर्स का सपोर्ट था, मतलब इमोशनली भी सर बहुत सपोर्ट करते थे। और यहाँ पे आप इसी जिले की रहने वाली हैं क्या? जी जी। तो आपने बाहर नहीं गए, बाहर भी जाने के लिए किसी ने कहा था कि बाहर अच्छा पढ़ाई होता? हाँ, है? हाँ, बोला गया था, बट मुझे यहीं से करना था। आपने सफलता यहीं से साहब जी। और भी क्या नाम है भैया? अविनाश कुमार। थोड़ा आगे आ गए। क्या नाम बोले? अविनाश कुमार जी। बताइए आप जब रिजल्ट जारी हो चुका है जी, रिजल्ट देखे क्या माहौल रहा होगा, फैमिली का क्या रहा? रिएक्शन ठीक था सबका, मतलब ठीक था सबका, जैसा होना चाहिए, मतलब खुशी है। कितना रैंक है आपका? 35,000। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? अप्रोक्स 10 आवर। अच्छा, डॉक्टर बनने का ही ख्वाब क्यों आया आपको? डॉक्टर ही बनना हमको, और किसी चीज़ में भी आप जा सकते थे? हाँ, वैसे जाने के लिए आर्मी में भी जा सकते थे, लेकिन आर्मी में जाने के लिए मेडिकल में वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ इशू की वजह से, तो इसीलिए सेवा करने के अविनाश कुमार। आपका क्या नाम है? शिवम कुमार। मेरा रैंक है 8,686 और मेरा मार्क्स हुआ 645। कितने घंटे आप पढ़ाई करते? इसका कोई फिक्स शेड्यूल तो होता नहीं है, ठीक है, मतलब कभी 6 घंटे, तो एवरेज मेरा ये था कि 10 से 12 घंटे। तो आप इसी ज़िले के रहने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर भी आपको किसी ने जाने को कहा था कि बाहर अच्छी पढ़ाई होती है, कोटा वगैरह सब में ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, तो ज़िले में रहकर आपने किस तरह से पढ़ाई की? आज जब सफलता हासिल किया आपने, तो क्या रिएक्शन रहा आपके परिवार में आते हुए? तो ऑब्वियसली पहले ये था कि कोटा जाना है, मैंने कोटा में भी रहा है 1 साल, ठीक है। तो कोटा में ये होता है कि आप बहुत प्रेशर में रहते हो, गार्जियन का आपका बहुत पैसा भी खर्च होता है, कोई केयर करने वाला नहीं होता आपका, बिल्कुल अकेले होते हो आप। बट हुआ ये कि ऐसे में जब कोटा से मैं आया था, तो उसके मेरे 1 साल के बाद रिजल्ट हुआ है। तो ऐसे ही एक बार मेरी मम्मी ने बताया था कि एक बार प्रगति क्लासेस जाओ, ठीक है, यहाँ से एक बार तुमको तैयारी करना ही पड़ेगा, ड्रॉप लेना ही है। तो जब मैंने प्रगति क्लासेस में, मतलब मैंने पढ़ा 1 महीना, मैंने यहाँ का फीडबैक लिया, ठीक है, तो मुझे लगा कि यार उतना माहौल जो वहाँ मुझे मिल रहा है उससे बेटर या उतना ही माहौल मुझे यहाँ भी मिल रहा है। और जैसे टेस्ट सीरीज़ की सुविधा है, ठीक है, गार्जियंस भी नज़दीक है, आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं देना है ना, तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिल्कुल, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है। और मुझे यही बेटर लगा, और उसके बाद बाकी का जो आंसर है, ऑब्वियसली रिज़ल्ट होने के बाद तो सब खुश होते ही हम, मेरा तो ठीक है नॉर्मल, मुझे पता है तब इतना मार्क्स आ रहा है, लेकिन जो गार्जियन जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, रिज़ल्ट इफेक्ट वो काफ़ी सही रहा। और क्या बनना आगे, और क्या बेटर करना चाहते हैं? देखिए, मेरा ड्रीम तो है, ठीक है, कि अपन सही है पीजी का सीट में, मुझे कार्डियो में जाना है, हार्ट वाले में पार्ट में जाना है, वो थोड़ा मेरा पैशन का पार्ट है।
तो ये ड्रीम है ठीक है, बट वो भी बहुत डिफिकल्ट है, देखेंगे आगे। डॉक्टर बनने के बाद पैसा कमाना है या सेवा करना है? ऑब्वियसली पैसा, देखिए डॉक्टर में तो ठीक है पैसा तो है ही ठीक है, लेकिन एक के बाद आप सैचुरेट हो जाते हो, तो पैसा ज़्यादा नहीं ठीक है, सेवा ही मोर रहेगा ठीक है, ज़्यादा सेवा ही रहेगा। चंदन जी है और डायरेक्टर है यहाँ के, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर पहले ये बताइए, पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, कितने बच्चे सफल हुए? अभी 9 बच्चे सफल हुए, जिसमें 8 बच्चे तभी यहाँ पर आए हुए हैं। एक पल्लव कुमार है जिनका कि 645 स्कोर है, वो अभी नहीं आ पाए, ठीक ना। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में जब 2014 में संस्थान खोले थे तो लोगों को कहना था से नहीं, यहाँ इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं चल सकता, और चलेगा भी तो मेडिकल का रिजल्ट नहीं हो सकता है। लेकिन 4 साल के स्ट्रगल के बाद हम लोग 2018 में पहली बार जो है मेडिकल में रिजल्ट दिए, ठीक ना। उसके बाद निरंतर रिजल्ट हमारा बढ़ता गया है। पिछले साल भी 7 बच्चे को MBBS मिलने का संभावना था, इस बार लगभग 9 से 10 बच्चों को संभावना है जो मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, जो चीज़ के लिए लोगों का कहना था नहीं हो सकता यहाँ पर, वो सारा चीज़ हम लोग अपने बच्चों की मेहनत के बदौलत, अपने सारे शिक्षकगण के मेहनत के बदौलत हम लोग उस चीज़ को अचीव कर पाए। सर, ये कोसी का इलाका है, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, लोग कहते हैं कि कोटा में अच्छी पढ़ाई होती है, क्या क्या कोसी इलाके से भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उभर सकते हैं? तो निश्चित, देखिए कोटा का सिस्टम काफ़ी बेहतर है, उसके लिए तो कुछ कहना नहीं है, पढ़ाई भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीज़ है जो कि वहाँ पर बच्चों को नहीं मिल पाता, जो कि सबसे बड़ी बात है, अपने गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लोग हजारों किलोमीटर दूर वहाँ पर जाते हैं, अपनापन का एहसास वहाँ पर नहीं मिल पाता है, बच्चे बीमार भी काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट वहाँ के एनवायरनमेंट में काफ़ी डिफरेंस है। और ये जो एज होता है बच्चों का, इसमें काफ़ी इमोशनल सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, तो वो इमोशनल सपोर्ट अपने पेरेंट्स के नज़दीक मिल सकता है। और हम लोग कोशिश किए हैं एक गार्जियन के रूप में काम करने का, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे, हम लोग कोशिश करते एक फैमिलियर माहौल में काम करें, सारे बच्चों को हम लोग फैमिली मेम्बर मान के चलते हैं। तंगी के कारण भी बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, ऐसे कई फैमिली हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या आपका संदेश है? देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, खास करके कोटा दिल्ली नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी सुविधा, क्योंकि फ़ी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कोटा कंपेरिजन में बात कीजिएगा तो 1/4 फ़ी है, 1/3 फ़ी है, उसके बाद रहने का खर्च काफ़ी कम है, जहाँ कोटा में 12 से 15 हज़ार पर मंथ रहने का खर्च होता है, यहाँ लोग आराम से यदि अपना रूम लेकर रहे तो 4 से 5 हज़ार में मंथली में काम चल जाता है, तो काफ़ी कम खर्च होता है। इसलिए मिडिल फैमिली के बच्चे भी, जो पुअर फैमिली के बच्चे भी है, वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ उस तरह के यदि विशेष स्थिति वाले मेरिटोरियस बच्चे रहते हैं, मेधावी बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग विशेष सुविधा रखे हुए हैं। इसलिए गरीबी जो है उस तरह के बच्चों में का बाधा नहीं बनता है, यदि मेरिट है उनमें, हम लोग को पता चलता है, तो हम लोग अपने तरफ से काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। चलिए और भी कुछ है छात्र उनसे बातचीत, शॉर्ट में पूछेंगे, कितना रैंक आया? 17,231। 17,000, क्या रिएक्शन रहा जब रिजल्ट आया? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? एवरेज 10 to 12 आवर रहता था। तो आप कोटा नहीं जाकर यहाँ पर अपने इलाके में, अपने ज़िले में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अपनों के साथ तो बेहतर ही लगता है, और बाहर में मतलब कि कोई सपोर्ट नहीं रहता, आप खुद अकेले रहते हैं, और एक तो मतलब यहाँ के छोटे माहौल से बड़े माहौल में चले जाते हैं अचानक, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन यहाँ अपनों के साथ मतलब एक अलग तरह का सपोर्ट लगता है, और सर सब भी रहते हैं तो अच्छा रहता है। थोड़ा आगे जाइए, क्या नाम है आपका? उलझन कुमार। कितना रेंज है आपका? 16,248। कहाँ? यहीं के सहरसे के रहने वाले? जी हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 10 घंटे। क्या आपका लक्ष्य आगे का, और क्या करना चाहते हैं आप आगे बढ़ते? डॉक्टर ही बनना है। उसके लिए पूरी तैयारी आपने कर ली? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का कैसा सपोर्ट है आपका, और टीचर का कैसा सपोर्ट रहा? टीचर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, फैमिली का भी सपोर्ट रहा, और यहाँ के जैसे चंदन सर है बहुत सपोर्टिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम? आयुष अभिराज। मेरा यहाँ की व्यवस्था में आपने क्या देखा? यहाँ पे सारे टीचर सभी सपोर्टिव हैं, सारे मतलब जितना भी डाउट होता था तो सब सॉल्व करते थे, अच्छा से पढ़ाई होता था, टेस्ट रेगुलर होते रहता था, तो एनालिसिस करते थे कि कहाँ गलती कर रहे हैं और इम्प्रूव किए खुद को। टेस्ट वगैरह से बीच बीच में जारी रहता जी। तो आगे का लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना है, सर्जन डॉक्टर बनना है। सर्जन डॉक्टर बनना है। क्या रैंक है? 7,971 है। क्या नाम हुआ? आयुष अभिराज। आपका क्या नाम? शिव कुमार। कुमार रैंक है आपको? 34,000। कैसा रहा एजुकेशन मामले में, ये कैसा संस्थान है, कैसा लग रहा है पढ़ने में? किस तरह की व्यवस्था रहती है यहाँ पे? बहुत अच्छा व्यवस्था है, ठीक है, मतलब सर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, और फैमिली भी मतलब सपोर्ट में रहते हैं और बगल में रहते हैं, जब मौसम ब्रेक होते हैं जाके मिल सकते हैं।
कर देते हैं।